ऑफ GTA 5, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में देखा था भाई कि कैसे सिमियंस को भाई माइकल ने बहुत गंदा वाला मारा था, क्योंकि उसने इनलीगली तरीके से भाई माइकल की गाड़ी चोरी की थी लोन पेड करने के बाद भी। अभी माइकल अपने घर पे आया और भाई ये तो रोज का ही चलते रहता है भाई, झगड़े पे झगड़े माइकल के घर पे भाई। ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए माइकल इस पे ध्यान ही नहीं देता मस्त। अभी आज का संडे है भाई, और संडे के दिन भाई माइकल का एक ही रूटीन भाई, चिल चिल और चिल। तो भाई इसने ये एक हाथ में लिए वाइन, एक हाथ में सिगरेट, मस्त चेयर पर बैठा है भाई पीछे के साइड में अपने गार्डन में, मस्त ये एयरफोन्स पहने और ये लगा दिए गाने। और इसके चिल के दिन भाई, चिल का दिन आज का चालू हो गया भाई, और एकदम ही चिल भाई। धूप भी बहुत मस्त निकला है, जैसे कि बीच वाली फीलिंग ले रहा भाई। ये रहा ये वाइन बैग गुड पी लिया है और भाई मस्त। और ये देखो भाई, ये फ्रैंकलिन आ गया। फ्रैंकलिन किस लिए आया ये पता नहीं भाई, अब कुछ ना कुछ नया मैटर होने वाला है क्या। तो भाई ये माइकल तो एकदम चौंक गया, मैंने पूछा क्या भाई क्या चाहिए देखो। अच्छा तो फ्रैंकलिन अभी हमें पता चला कि भाई फ्रैंकलिन किस लिए आया भाई। फ्रैंकलिन इसलिए आया क्योंकि उसका जॉब छूट गया है भाई, अब सब बात कर रहा है। तो भाई सब माइकल ने मतलब एक बार समझा दिया है कि ऐसे ऐसे अभी मैं नहीं ये सब काम करता गैंगस्टर वाले। और ये जिमी का फोन आ गया भाई। Hey Jim, I'm going for a drink. Dad, shit. I mean our boat going down the western highway. Oh, bhai sahab. It's been stolen. What? माइकल की बोट भाई चोरी हो रही है भाई। ये जिमी कुछ ना कुछ कांड करते ही रहता है। जिमी उसे बेचने गया था कुछ पैसे के लिए, पर उसने बेचा और मतलब बेचने के बाद उन्होंने पैसे नहीं दिया, और वैसे ही भाई वो याच लेके भाई भाग रहे। और जिमी भी उसी के अंदर है भाई, याच यानी बोट एक तरीके से हम लोग बोल सकते। तो भाई इन लोग का एकदम चिलिंग का प्लान था, संडे था भाई, एकदम फ्री थे भाई। माइकल फ्रैंकलिन को भाई बार बार में लेके जाने वाला था क्लबिंग के लिए, और भाई ये रहा ये इन लोग का संडे बेकार हो गया। और इन्हें जिमी को बचाने अब जाना है भाई साहब। तो इन्होंने तुरंत भाई प्लान चेंज कर दिया, और दोनों का मूड बहुत खराब हो गया भाई। फ्रैंकलिन बहुत अच्छे मूड में था, मतलब क्या बोले अभी, इतना मूड खराब होने के बाद उसका अच्छा मूड हुआ था कि भाई कोई तो समझाने वाला है। और ये रहा भाई वो ट्रक, और भाई ये ट्रक क्या ही गंदा वाला भाई भगा रहा है, इससे हमें पीछा करना है। इसके अंदर ही भाई जिमी है, जिमी को भाई लोग किडनैप करके लेके जा रहे हैं भाई, शायद माइकल से पैसे भी वसूले गए और बोट भी लेके जा रहे, प्लस जिमी को भी लेके जा रहे। जिमी का क्या फायदा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भाई ये हमारा फ्रैंकलिन भाई कार के आगे चढ़ते हुए, और चढ़ेगा आगे अब, इसका हमें पीछे ही करना है। हम लोग को ये बोट कैसे भी लेके जाना है। ओ भाई ये क्या ही बंदर जैसे कूदा है बोट के ऊपर यानी ट्रक के ऊपर भाई। ये क्या गंदा वाला भाई ट्रक चला रहा है हवाई जहाज इतनी स्पीड में चला रहा है, ऊपर से सबको कट क्या और ठोक वोक के चल रहा है, कट भी नहीं मार रहा है सीधा ठोक रहा है भाई। और ये रहे गुंडे उसके अंदर के भाई, ये टकले दिख रहे सब। ओ भाई साहब ये लफड़ा होते हुए, और ये लफड़ा हो रहा है भाई खतरनाक वाला लफड़ा हो रहा है। ये ले भाई हम लोग भी इसको मार देंगे, उम्र गया क्योंकि हम लोगों ने भी उसको टोक दिया। और ये फ्रैंकलिन बहुत गंदा वाला अंदर चढ़ रहा है, बहुत ही अच्छे मैटर कर रहा है भाई फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन बहुत काम की चीज है, बहुत काम का आदमी है भाई। ये दूसरा मैटर कर रहा है, ये दूसरे बंदे को भी मार रहा है, ये मारामारी हो रहा है भाई। हम लोग भी शूट कर सकते क्या, ओ भाई साहब। और फ्रैंकलिन मुसीबत में, इसलिए हम लोग इसको शूट कर दिए, इसको हेडशॉट मार दिए भाई, पट से हेडशॉट दे दिए इसको। और फ्रैंकलिन को हम लोग ने इसी तरह बचा लिया है। अब हम लोग को कैसे भी करके जिमी को अंदर ढूंढना है। फ्रैंकलिन अभी ढूंढ रहा है जिमी को अंदर भाई, जिमी को जल्द से जल्द ढूंढ के बता भाई, माइकल की जान है जिमी। और ये जिमी मिल गया, और ये जिमी तो कुछ ना कुछ भाई कान करते ही रहता है। अभी देखो उस पे लटक गया भाई, वो अंदर वाले बंदे ने क्या किया, वो याच का जो मतलब वो सिग्नल वगैरह कुछ भी रहेगा क्या पता, मेरे को इतना नहीं पता। उसको भाई वो जिमी को उस पे लटका के उधर फेंक दिया भाई रोड की तरफ। अब जिमी को हम लोग को जल्द से जल्द बचाना पड़ेगा, कहीं ये गिर के भाई गिर गया तो मर जाएगा। ये देखो ये फ्रैंकलिन बहुत ही अच्छा वाला मार रहा है, बहुत ही गंदा वाला इन लोगों को मार रहा है। और ये जिमी को हम लोग पकड़ लेते हैं, ये कैच पकड़ लिया हम लोगों ने जिमी को। और भाई अब कैसे भी फ्रैंकलिन को उसमें से उतारना है भाई, फ्रैंकलिन में मुसीबत में आप देख पा रहे होंगे। ये आदमी को भाई हम लोग उड़ा देते भाई, ये ले उड़ा दिया देखो। और फ्रैंकलिन भाई और देखो बहुत ज्यादा मुसीबत में होगी, और पर वो अंदर चले गए है भाई, वो सेफ हो गए है। पर उसको याच के अंदर से हम लोग को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को भाई उसका पीछा करना है। तो भाई फ्रैंकलिन बोल रहे जल्द से लेके हम लोग उसको लेने जाते हैं। और ये भाई कुछ जा भाई, एक नंबर भाई, ये तो बंदर ही है पहले से। और भाई बहुत अच्छा वाला कूदा है भाई, हम लोग कैसे भी वो ट्रक का भाई पीछा करना है, क्योंकि उसके अंदर कौन है ये हमें तो पता नहीं, शायद जिमी को पता हो।
तो हम लोग जल्द से जल्द उसको पकड़ते हैं भाई। भाई कुछ ज्यादा ही स्लो चल रही। ओ भाई साहब गाड़ी खराब हो गई और भाई वो ट्रक तो एकदम हवाई जहाज जैसे तुम्हारा। हम लोग लगता है नहीं उसको पकड़ पाएंगे, तो हम लोग एक काम करते टाइम बिना टाइम वेस्ट किए भाई हम लोग जाते हैं कस्टम्स में और इसको रिपेयर करवा लेते भाई। अब वो तो चले गए, अभी क्या करें हम लोग। हमारे कॉन्टेक्ट से भाई उसका पता हम लोग को निकाल लेंगे कैसे भी। कोई भी होगा वो तो बहुत मार खाएगा भाई, इतना गंदा वाला मार खाएगा उसका, शायद तक गेम ही फिनिश कर देगा। और भाई साहब अभी अभी जी ने बताया कोई और नहीं हो सिमियंस था। सिमियंस भाई आपको पता ही होगा कार शोरूम वाला, तो मुझे अभी याद आया हम लोग ने उसको पिछले मिशन में मारा था, तो वही वो बदला ले रहा है शायद। तो भाई सिमियन ने भाई इसको किडनैप कर रखा था माइकल को, अपना ये माइकल के बेटे जिमी को भाई साहब क्या ही किडनैप करा था भाई। अब भाई वो नहीं बचने वाला भाई, वो उसको तो बहुत गंदा वाला मारेगा क्योंकि भाई उसको हम लोग ने लास्ट वार्निंग दी थी, तभी भी उसने लास्ट वार्निंग भाई मानी नहीं है। अब तो भाई गंदा वाला पिटने वाला है, पिटने से तो दूर, उसको तो गोलियों से उड़ाएंगे भाई। हम लोग जल्द से जल्द कस्टम में पहुंच गए और कस्टम में हम लोग जल्द से जल्द भाई वो कार को ठीक कर दे क्योंकि ये किसी और की नहीं एमांडा की कार है। एमांडा आपको पता नहीं पर वो माइकल की पत्नी है और बहुत जी जी की, मतलब माइकल के पीछे ऐसे पीछे लग जाएगी कि माइकल का दिमाग पूरा पागल कर देगी। और माइकल जल्द से जल्द घर पे पहुंचना चाहता है इसलिए उसके लिए हम लोग ने टैक्सी मंगवा दी है। तो हम लोग भाई टैक्सी से अभी घर पे जाएंगे और भाई फ्रैंकलिन को हम लोग ने काम लगा दिया है भाई, वो कस्टम और उधर पैसे नहीं लगते, शायद वो माइकल का पहचान वाला, माइकल को कुछ हिसाब किताब उधर होते हैं तो इसलिए माइकल को फ्री में करा के देता है। तो हम लोग भाई कस्टम में पहले ये रिपेयर करा देते हैं और फिर तुरंत एमेंडा की कार माइकल के घर पे रखते। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बता रहा था कि सिमियंस ने भाई वो किडनैप किया था भाई जिमी को और वो बोट भी चुरा के लेके गया है भाई साहब। आप सिमियंस तो भाई बचने नहीं वाला है, उसने पिछला बदला लिया था। हम लोग उसका भी आगे के जितने भी लोग हैं उसके गैंग में हो या फिर उसने कोई गैंग बनाई हो तो हम लोग उसको भाई नहीं छोड़ने वाले, कितने भी बंदे होने थे भाई। हम लोग तो गंदा वाला मतलब गंदा वाला सिमियंस को मारेंगे क्योंकि उसको लास्ट वार्निंग देने के बाद उसके ऊपर तरस करने के बाद भी भाई वो नहीं माना है, उसने हम लोग की बोट चुरा के लेके गया है। अब तो भाई वो खत्म हो गया और फ्रैंकलिन भी अब माइकल के साथ है और माइकल को भाई प्रूफ करके बताया भाई फ्रैंकलिन कितना लॉयल है। और भाई उसका जॉब छूटने के बाद वो तो सिमियन को मतलब सिमियन के पास जा भी नहीं सकता, तो फ्रैंकलिन को अब जॉब नहीं, तो हम लोग जल्द से जल्द फ्रैंकलिन को भी हम लोग के गैंग में भाई शामिल करेंगे। और क्या ही लॉयलिटी चाहिए भाई, लॉयल बन गया है भाई फ्रैंकलिन माइकल के लिए क्योंकि उसने जान बचाई है उसके बेटे जिमी की भाई। तो भाई ये राजी भी कुछ मस्का उसका लगा रहा, बोल रहा भाई तू तो मेरे ही उम्र का है, चल भाई क्लबिंग में बाहर वहां सब वाइन वाइन पीने जाते हैं ऐसे चिलिंग विलिंग के लिए। तो भाई फ्रैंकलिन बोल रहा है, फ्रैंकलिन मतलब पहले से जब मैच्योर्ड है, मैच्योर्ड लड़का, तो भाई उसको ये सब नहीं पसंद इसके मतलब ऐसे बचकान लोगों में, उसको माइकल के साथ शायद पसंद रहेगा जाने के लिए क्योंकि भाई फ्रैंकलिन को जैसे बड़े आदमी लोगों में रहना बहुत अच्छा लगता है। ये अभी इतने चिल्ली बिल्ली लोग से क्या फ्रैंकलिन बात करे। तो भाई आज के लिए हम लोग ने बस इतना देखा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई शेयर कर देना और भाई देखने के लिए शुक्रिया और भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और देखते रहिए। और पार्ट 6 बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न के साथ आने वाला है क्योंकि हम लोग माइकल के साथ यानी माइकल बहुत गंदा वाला सिमियंस को मारेगा, हम लोग बहुत प्लानिंग बॉटिंग करेंगे। तो भाई थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।